हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल शेयर मार्केट विद सीके। आज हम बात करेंगे मुथूट ग्रुप की, मुथूट फाइनेंस की, जो इसमें गिरावट आई है, जो आज के दिन गिरावट जारी हुई है। और मैंने इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है आज के दिन। इसमें जो लेबल्स आए थे बहुत ही शानदार थे, इसके नीचे भी थोड़े से लेबल्स आ सकते हैं। तो अपन बाय ऑन डिप्स करेंगे, चार्ट एनालिसिस की बात करेंगे, बाइंग लेबल्स की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसकी अपन फंडामेंटल्स की बात करें तो इसमें मार्केट कैप कंपनी है, जो 44,000 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी है। डिविडेंड डील बहुत ही शानदार है, 1.35 का डिविडेंड डील देती है। इंडस्ट्री की पी की बात करेंगे तो 30 की है और ये आपको मिल रहा है मात्र 13 की पी पे। तो देखिए वैल्यूएशन कितना सस्ता है, अभी आपको बहुत ही शानदार वैल्यूज पे मिल रहा है। गिरावट भी हुई है जो महीने में 10% लगभग टूट चुका है, 11%। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो 82 है, बहुत ही शानदार है। तो आप देख सकते हैं आगे हम बात करेंगे इसके चार्ट पैटर्न की। देखिए यहाँ से ये गिरता हुआ फिर ये यहाँ पे बिल्कुल नीचे आ चुका है। एक वीक में लगभग 5% के नेगेटिव में रिटर्न दिए हैं। लार्ज कैप कंपनी है, लो रिस्क फैक्टर है। अगर हम बात करेंगे इसके 1 मंथ के चार्ट पैटर्न की, देखिए मैंने बताया था 11-12% टूट चुका है और जो इसने हाई लगाया था 1324 का लगाया था और ये आपको मिल रहा है 1100 के लेवल्स पे। 1324 का हाई मतलब 200 से 250 पॉइंट का नीचे गिरावट आ चुकी है। अगर हम बात करेंगे ईयरली चार्ट पैटर्न की, देखिए शानदार 92% के रिटर्न दिए हैं और ये डिप्स पे जिसने खरीदा है कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया होगा कोरोना के टाइम पे। लेकिन अभी फिर से एक अपन को खरीदने का मौका है, ये लेवल्स भी बहुत ही अच्छे हैं। अगर हम बात करेंगे फाइनेंशियल ट्रेंड की तो लगातार आपको इंक्रीज होता हुआ दिख रहा होगा और जैसे सोने का भाव बढ़ता जा रहा था उसके वजह से देखिए कितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आई। प्रॉफिट्स में भी लगातार इंक्रीज आपको दिख रहा होगा, बहुत ही शानदार है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो लाजवाब है। FIS के पास 15% है लगभग और 73% प्रोमोटर्स के पास ज़्यादा होल्डिंग्स। बाकी आप देख लीजिएगा, प्रोमोटर्स के पास ज़्यादा होल्डिंग दिखाता है कि कितना ज़्यादा ये ट्रस्ट करते हैं अपनी फर्म के ऊपर। अगर हम बात करेंगे रेशियोज़ की, रेशियोज़ में हम 2009 के कंपैरिजन में देखिए ROE में बढ़त आई है, जो होना चाहिए 20, तो ये 20 के ऊपर 26 बना हुआ है, बहुत ही शानदार है। अगर हम बात करेंगे ROA की तो ROA की देखिए 5.98 है, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको 10 होना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं। अगर हम बात करेंगे ROCE की देखिए 14 से 58 हुई, कितना ज़्यादा उछाल आया आप देख रहे हैं, 14 से 58, बहुत ही ज़्यादा। अगर हम इक्विटी डेट की बात करेंगे, थोड़ा सा डेट बड़ा है क्योंकि ये आप देख रहे हैं गोल्ड से रिलेटेड है, तो डेट इसमें मतलब समझ लीजिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डेट वगैरह चलता रहता है। तो देखिए थोड़ा सा डेट बड़ा है, उसी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही शानदार फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। दुनिया में ये गोल्ड का सबसे अच्छा स्टॉक है जो गोल्ड में डील करता है, बहुत ही शानदार लेवल्स हैं। ये चार्ट में देखेंगे अपन, ये देखिए ये बहुत ही शानदार लेवल्स हैं। आप चाहें तो 1066 के लिए वेट कर सकते हैं, वरना यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी बाय करने का अच्छा चांसेस हैं। अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं तो एक ये लेवल आपको मिल गए, और आप चाहें तो ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको 100-day moving average है, वहाँ पर 1066 पे बाय कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको और कंजर्वेटिव हैं तो 996 का वेट कर सकते हैं, ये थोड़े से मुश्किल है आना, लेकिन ये भी एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट है। तो आप लेवल समझ गए होंगे, 1070 के आसपास आपको बाय करना है अगर आप वेट कर सकते हैं तो, वरना आज भी बहुत अच्छे लेवल्स पे है, आप आराम से 1100 के आसपास बाय कर सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म अप्रोच है। अगर आपको बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म में चाहिए तो 1070 पे चाहे तो वेट कर सकते हैं कल की गिरावट का, लेकिन हो सकता है कल गिरावट ना हो तो अभी थोड़ा थोड़ा एक्युमुलेट करना स्टार्ट किया जाए। 10 शेयर आपके पास तो 3 अभी खरीद लीजिए, 3 कल खरीद लीजिएगा, और 3 अगर 996 आएगा तो तब खरीद लीजिएगा 4। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से आपको बाइंग कर सकते हैं। तो ये लेबल्स आपको हो गया 1 जो मैंने बताया 996, उसके बाद 1066 और ये 1100 के आसपास आप बाय कर सकते हैं। आज मैंने ये 1100 के लेवल पे ख़रीदा हुआ है, अगर नीचे जाएगा तो मैं 996 पे दोबारा इसको एवरेज करूँगा। तो और 928 ये लास्ट लेवल है, ये इसके बाद अगर गिरता है तो बहुत ही बुरी गिरावट आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे इतना नीचे जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ अगर जाएगा तो बहुत ज़्यादा बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, लोग इसको बहुत इंटरेस्टेड तरीके से खरीदेंगे। तो 928 का लेवल आना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये जो लास्ट लेवल होगा उसके लिए आप कुछ पैसे बचा के रखिए और डिप्स पे खरीद सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहां पे 1066 पे 1000 के आसपास खरीदिए, 1050 के आसपास, फिर उसके बाद आप खरीद सकते हैं
950 के आसपास उसको आप एवरेज कर सकते हैं अगर चाहें तो, नीचे जाएगा तो, क्योंकि हमें दोनों तरफ का देखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि इसके नीचे नहीं जाएगा, लेकिन हम जो बताते हैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज उस पर हम डिपेंड करते हैं, मैं भी उसी पर खरीदता हूँ। तो देखिए टारगेट्स की बात करेंगे तो टारगेट्स आपके हो जाएंगे जो 1350 पे हाई गया था वो अपन शॉर्ट टर्म टारगेट रखेंगे, बाकी लॉन्ग टर्म तो चलता रहेगा। आगे हम बात करेंगे देखिए एमएससीडी की, तो एमएससीडी यहाँ पे जाके धीरे धीरे पैरेलल होना स्टार्ट होगा, यहाँ पे जाते एक बार क्रॉस करने यहाँ पे पैरेलल हुआ था लेकिन उसके बाद थोड़ी सी और गिरावट आई। अब देखिए अभी जा रहा है, अभी लो ही बना रही हो, मतलब इसमें अभी वीकनेस बनी हुई है, वीकनेस बनी हुई है। अगर हम आरएसआई की बात करेंगे तो वो भी 39 है, वीक ही है, 40 के नीचे अपन वीक मानते हैं, 39 उतनी भी वीक नहीं है लेकिन फिर भी ये बीच में चल रही है, ना तो ज़्यादा बुलिश नहीं है, बेरिस की तरफ झुकी हुई है थोड़ी सी। तो 39 की आरएसआई है। अगर हम बात करेंगे एमएससीडी, तो एमएससीडी ने यहाँ पे सेल सिग्नल दिया था, वो भी बेरिस है। अगर और जो चार्ट पैटर्न बन रहा है वो भी बेरिस बन रहा है, तो यहाँ से गिरावट हो सकती है। जो मैंने लेवल्स बताया वो याद रखिएगा, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। ये देखिए यहाँ पे ये बहुत ही शानदार लेवल, यहाँ से मूव करके ये अप गया था, फिर ये चार्ट पैटर्न बनाया था, इसके बाद हो सकता है ये इस लेवल्स पे आपको मिले 10.06667 मतलब 1070 के लेवल पे आपको खरीद मिल सकता है। तो आप वेट कीजिए और चाहें तो अभी भी ले सकते हैं, अभी भी कोई बुरा वो नहीं है। 1350 शॉर्ट टर्म में गया था, ये आपको शॉर्ट टर्म में टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगर हम आज के डिलीवरीज़ की बात करेंगे तो ये 30% की डिलीवरीज़ हुई हैं, ये आप देख सकते हैं लोग उसमें बाइंग कर रहे हैं। 30-25 के ऊपर अपन अच्छी डिलीवरीज़ मानते हैं, 30% डिलीवरीज़ अच्छी हैं। अगर हो सकता है आज के जो ट्रेडिंग सेशन है इसमें दिन भर में अच्छी खासी डिलीवरीज़ हों इसमें, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ही मजबूत, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और अच्छी खासी ग्रोथ करने वाला स्टॉक है। और हमारे अगर आपको ज़्यादा अपडेट चाहिए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, मैंने आप बताता हूँ कब आपको बेचना। आज इंफ्राटेल का बताया मैंने, जो लेबल्स बताए थे उसके बाद बहुत ही शानदार प्रॉफिट हुए हैं लोगों को, 10-10-15% के प्रॉफिट बुक किए हैं। और मैंने ये भी बताया था कब बुक करना है और कब खरीदना है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो आपको मोटिवेट, जो हमें मोटिवेट करता है। जय हिंद, जय भारत।